प्यू मेरा ते अब्बा तू आके ओए जायदाद दे लालच पिछे मेरे प्यू नू अपनी मां दा खतम बना लिता ही। अकबर जे तेरी इस गल विच उस मरन वाले दा नां ना हुंदा ते मैनू पैदा करन वाले दी कसम है मैं तैनू खले खलोते नू चीर देंदा। ओए इस कागज़ नू मेरी मां दी कीमत बनाया ही पहला फर्क मीनिया दुआ कर तेरा मेरा टाकरा जिंदगी च फेर कदी होवे ते इस गल दा सारा बदला मैं तैनू ला के विखा देंगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाली मामू व्लॉग में शहबाज अकमल आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। व्यूअर्स, आज हम ताया लियास कश्मीरी पे व्लॉग बनाने जा रहे हैं। ताया उनको सारी फिल्म इंडस्ट्री में पुकारा जाता था और बड़े पा के नाम से भी उनको हम पुकारते थे। वो भी मैं आपको बताऊँगा कि उनको ताए का लकब हम कैसे देते हैं। तो सबसे पहले बात तो ये है कि जब उनको फिल्म इंडस्ट्री में आने का शौक़ पैदा हुआ तो जाहिर है कि वो कश्मीरी उनके नाम के साथ लगता है, तो वो कश्मीरी ख़ानदान में ही पैदा हुए और वो बड़े वजीहुल कद और बड़े खूबसूरत जवान थे। तो लोगों ने जब उनको कहा कि आप भी फिल्म लाइन में होना चाहिए आपको, तो वो घर वालों से चोरी बॉम्बे चले गए। उस वक़्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक था, तो बॉम्बे जाके उन्होंने एक सुराब मोती साहब की फ़िल्म थी उसमें उन्होंने एक छोटा सा किरदार हासिल कर लिया किसी ना किसी तरीके से। उस फिल्म का नाम था गुल बकौली। वो गुल बकौली भी बहुत मशहूर फिल्म है, मशहूर ज़माना है, उसमें उनको एक छोटा सा किरदार मिल गया। जैसे कि इलम में आपने बहुत सी फिल्मों में देखा होगा कि वो लड़की के साथ उनका सीन अक्सर हुआ करता था और उस सीन में वो ये उनका पेटेंट डायलॉग था कि मेरे अलवद जो ज़िंदगी जानी है तो मेरे अल कदम पुट, ये बहुत उनका पेटेंट है था और वो आपको पता है वो इसी किस्म के किरदार उनको मिला करते थे। और पाकिस्तान में उन्होंने जो पहली फिल्म उन्होंने आकर की वो मुंदरी थी, उसमें जो हीरोइन थी वो रागिनी थी। उसके बाद उनको आगा जिए गुल साहब जो थे, जो कि एवरन्यू स्टूडियोज़ के मालिक थे, उन्होंने उनको फिल्म में कास्ट किया और उस फिल्म का नाम था किस्मत। उसमें संतोष कुमार साहब थे और मुसर्रत नज़ीर साहिबा थी। जब ये बड़ी होगी तो मुझे ताया अब्बा कहकर पुकारा करेगी, अमजद और नसीमा की गोद से उछल कर इसी तरह मेरे सीने से चिमक जाएगा। मैं पूछूंगा बताओ बेटा अजीजा मैं कौन, बोलो बेटा अजीजा मैं कौन, बोलो बेटा। शाबाश, उन्होंने संतोष कुमार साहब के बड़े भाई का किरदार अदा किया, तो उस फिल्म में सारे उनको कहते थे जी ताया ताया, तो उस फिल्म से भी उनका नाम जो था वो हम सारे उनको ताया जी कहने लग गए। और बड़ा पा उनको इज्जत की वजह से हम कहते थे कि क्योंकि वो बड़ी पर्सनैलिटी थे। तो उसके बाद जो मेरे दौर में एक फिल्म बनी किस्मत, वो जब शिकरा बनी उस दौर में ही वो आमने सामने फिल्में लगी और दोनों ने बहुत बिजनेस किया। तो उस फिर वो दूसरी दफ़ा जो किस्मत बनी उसमें भी ताया लियास जो थे वो उन्होंने एक समझ लें ताया का ही किरदार अदा किया और बड़े जालम, वो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। बड़ी ज़बरदस्त फिल्म थी। और व्यूअर्स, फिर एक माही मुंडा फिल्म बनी, उसमें ताया अजमल के साथ भी उन्होंने काम किया। वो जब मैंने देखी तो उसमें एक सीन था, मैंने कहा वो भी आपसे मैं शेयर करूं। तेनू ये कभी ख्याल नहीं आया कि तेरे को ले हो जाए हीरा जी की चमक ने सारे पिंडी चानन कर देता जी। मैं उस हीरे नू अपने दिल की अंगूठी में जड़ांगा। माही मुंडे के बाद मेरे जहन में जो फिल्म आ रही है वो है यक्के वाली। यक्के वाली में उनका एक सीन है कि वो घोड़े वालों के पास आते हैं और वो लाली एक नाम की करेक्टर होती है, उसके मुतलक वो पूछते हैं कि वो कहाँ पे है, तो वो भी आप देखें जरा। मैं ते कुड़ी पीछे आया, मैंनू पता लगा कि इत्थे हैगी है। ओ के पिया कहने कुड़ी ते बत मेरे डेरे के ना उसदा ओदा ना ही लाली। लाली मानदीन गुआविया में भी वो थे, मेरे वाले साहब भी उसमें थे। तो उसमें एक सीन होता है कि वो जो फरंगी लोग होते हैं वो आते हैं और कहते हैं हवेली की हमने तलाशी लेनी है, तो वो कहते हैं कि हमने नहीं लेने देनी, और बड़ा जबरदस्त वो ऐसे उन्होंने लाठी पकड़ी हुई है, वो सीन बड़ा जबरदस्त है। तो जीवे क्या कर लिया साहब, पर एक गल याद रखे, गोलियां दी वाछ नाल सुंदर सिंह दे सीने नू छेको छेक कर सकने,
पर यार दे हथों यार दियां बाहीं लै के यराने दे पल्ले ते दाग नहीं ला सकदा। और फिल्म रंगीला में भी उन्होंने बड़ा अच्छा किरदार निभाया, तो उसमें एक सलमा मुमताज जो बड़ी प्यारी थी, वो उनके साथ उनका सीन है, वो भी आप देखें कितना प्यारा है। मुझे मिसाले न दो बुढ़िया, ये बताओ वो करता देने मकान खाली कर। जागीरदार जी, ये मेरी आखिरी मिन्नत है। हट जाओ बुढ़िया। और व्यूअर्स, एक फिल्म बनी खुशिया, खुशिया में भी उन्होंने संगीता जो बेगम थी उसके साथ वो एक सीन है, वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, और एक दो बाकी हैं वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा आगे चल के इंशाल्लाह। मियां तो मुबारक देखी आखे जी, पियो जिद्दी बन जान ते तियां दिया डोलियां ही भी छोड़ देने। ओए जे पियो नु रास्ता दसन जोगी हो ही गई है ते फिर मैं तेरे टोटे नहीं करूंगा। ओए इस करते बुए ते जंज मेरी मर्जी ने लाएगी, तेरे तन ते कफन लाल जोड़े दा सजेगा। व्यूअर्स, 80 की दहाई से लेके तो तकरीबन 90 और 2000 तक समझ लें कि उन्होंने एक ऐसा पीरियड गुजारा कि जो सुल्तान राय साहब और मुशफ़ा कुरैशी साहब के अगेंस्ट अगर वो खड़े होते थे और उनके साथ वो जो बड़े बड़े मोटे पेटों वाले जो हमारे विलन भाई थे वो भी होते थे, वो एक गैंग होता था, वो तकरीबन हर फिल्म में आप उनको देखते थे तो उसमें वो लीड करते थे और वो अपने करेक्टर के हिसाब से इंतहाई खूबसूरत लगते थे वो लोग, और उन लंबे लंबे कद सब के और मोटे, और उनकी वजह से भी फिल्मों ने बिजनेस किया, बहुत एक ग्रेंजर बना उनके जो उस गैंग की वजह से। तो उसके बाद जो मेरी फिल्म एक जहन में आ रही है वो थी बनारसी ठग, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट फिल्म थी उनके कैरियर की, उसमें उन्होंने बड़ा मुनफरिद किस्म का किरदार अदा किया, उन्होंने मुनव्वर ज़रीफ के साथ पेयर में काम किया, मतलब ये दो होते हैं ठग ही होते हैं, दोनों ही समझ लें बनारसी ठग होते हैं, मेन जो थे वो मुनव्वर ज़रीफ साहब थे, वो कभी औरत मान जाते हैं और इनको अपना शौहर शो करते हैं कि ये मेरा शौहर है, और जाके लोगों को चक्कर देते हैं, लूटते हैं, वो बड़ी ज़बरदस्त फिल्म है, और आखिर में जाके एक ऐसी जगह आती है कि दोनों में तनाज़ा हो जाता है और लड़ाई होती है पैसों की वजह से, वो देखें वो कैसा वो सीन है। सेठ माजस वाले को सिर्फ 1100 रुपया बच गया सी, जरा तू सवेरे जाके ओदे कोलो ठक के ले आए है। क्यों ठीक है ना शीतिया? बिल्कुल ठीक उस्ताद, लिया के थी 1100 रुपया, मैंने बड़ी जरूरत है। और व्यूअर्स, वो उन एक्टरों में शुमार होते थे जैसे कि आपको पता है कि जिनकी अनगिनत फिल्में आई हैं, अगर मैं गिनना शुरू करूं तो वो पॉसिबल नहीं है, इतनी उर्दू फिल्में आई हैं सैकड़ों के हिसाब से, तकरीबन मेरे हिसाब से कम 700-800 फिल्मों में उन्होंने काम किया। और जो बेटा वो फोत होता है तो वहाँ पर बड़ा उनका ज़बरदस्त सीन था, क्योंकि वो आर्टिस्ट थे, वो हर किस्म का सीन करना जानते थे। बड़े भैड़े मौके ते मफरूर होया मालू, ओए हुण ते वापस मुड़िया मूर्खा। और व्यूअर्स, उन्होंने अकमल खान साहब के साथ भी काम किया, उस ज़माने में उन्होंने एक फ़िल्म बनाई ताबेदार, और ताबेदार में भी बहुत अच्छा उनका जो सिलसिला था वो बना, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो उस ज़माने में उन्होंने कैसा काम किया। ए ओ बेगैरत बाबले, जिन्हें तीदी जवानी ते अपने बुढ़ापे दा कफन पा दिता, बकवास बंद करो, तू मैनू नहीं जानता। ओए तेरे जे बेगैरत नू कौन नहीं जानदा, ते मैं ते तैनू होर भी चंगी तरह जानदा, ओ इस वास्ते कि तू मेरे पिओ दे खून नाल हथ रंगे ने, ते हुण तू अपने पिओ दे खून दा बदला लैण लिया। ओए मैनू इस बुढ़ी मां दी मानता हथ नहीं चुकन देंदी, नहीं ते मैं तैनू दस दिंदा कि मेरे बाजुआं किन्ना कजोर है, तेरे वर्गे 10 अकबर खान होण ते मैं उहनां दे गाटे ला लिया। हमने जो मैंने अपनी आंखों से जो देखा, तो वो एक ज़माने में उनकी टांग फ्रैक्चर हो गई तो उन्होंने ऊपर प्लस्तर करवा दिया, तो वो प्लस्तर जब काफ़ी अरसा वो प्लस्तर चलता रहा, वो शूटिंगें भी करते रहे, और जब वो हमने देखा कि उन्होंने जो प्लस्तर था वो जब कटवाया तो वो बड़ा वो बेचारे परेशान हुए, तो उनकी जो टांग थी ना वो पत्थर की बन गई थी, जब प्लस्तर के अंदर जो थी ना टांग वो बिल्कुल पत्थर की बन गई, तो उनको बहुत तकलीफ थी। फिर वो हॉस्पिटल में बेचारे दाखिल हो गए, तो उनका कोई पूछने वाला भी नहीं था, फिर वो नवाज शरीफ साहब ने उनको अपने हॉस्पिटल में शिफ्ट किया और उनका बकायदा इलाज भी करवाया, उनकी टांग भी काटी गई, लेकिन वो सेहतमंद ना हो सके। 12 दिसंबर 2007 को उनकी जो वफ़ात हुई, तो वो कज़ाए इलाही से वफ़ात पा गए और खुदा के पास चले गए। तो हम इस सोगवार मौके पर उनके लिए दुआ करते हैं कि खुदा उनको सासा जनते अता फरमाए, और नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह दोबारा अच्छे से व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।